माय चैनल इट्स मी खुशी। सो आज का वीडियो होगा एक मेकअप ट्यूटोरियल और वो होगा मेकअप चैलेंज और वो है 5 मिनट्स मेकअप चैलेंज, जो मुझे सारे प्रोडक्ट्स यूज करके पूरा मेकअप करना है ओनली इन 5 मिनट्स। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चैलेंज है, दैट्स व्हाई मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मतलब मैंने बहुत टाइम हो गया कि मेकअप का कोई ट्यूटोरियल नहीं डाला है, सो मैं फाइनली डाल रही हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइमर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। मुझे एक भी प्रोडक्ट स्किप नहीं करना है और मुझे फुल फेस मेकअप करना है, कौन सा भी जो करना है बट करना है। और मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल के रख दिए हैं, सो मैं अपने फ़ोन में भी टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। सो रुकिए, सो नाउ गाइज आई एम रेडी टू स्टार्ट, 1 2 3 गो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है गाइज, तो फर्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं फाउंडेशन। मैं लिपस्टिक में बाद में रख कर दूँगी। तो फ्रेंड्स फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ 7Cs का और ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो फाउंडेशन, इसका शेड आई डोंट नो, नेम याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूँगी। सो ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड गाइज ये चैलेंज, ये वीडियो देख, मतलब ये जो स्पीड है मेरी, ये देख के मुझे क्या लगता है मैं चैलेंज जीत पाऊँगी। अब आगे देखिए गाइज होता क्या है मेरे साथ। तो इतना मैं अभी फाउंडेशन लगाने के बाद अब मैं यूज़ करने वाली हूँ। मुझे ना एप्लीकेटर स्पॉन्ज वगैरह लाया ही नहीं था मैंने गाइज, इस टाइम तो दिमाग इतना ख़राब हो गया मेरा, फिर मैंने सोचा चलो ब्रश से ही कर लेते हैं। फिर तो एक बार देखा मिरर में खोल के, देखा कि ब्रश से तो अच्छे से हो ही नहीं रहा है ब्लेंड। फिर गाइस व्हाट डू यू थिंक, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अभी ना बस हाथ से ही करना है मुझे, फालतू में ब्रशेज यूज़ करें उससे अच्छा तो हाथ से ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 मिनट तो मुझे लग गया गाइज आप देख सकते हैं पूरा इस फाउंडेशन अप्लाई करने में। सो आप गेस कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा मेकअप करने में, बहुत लेज़ी की तरह जा रही थी, जैसे कोई बहुत 1 घंटा दे दिया हो ना ऐसे। तो अभी फाउंडेशन लगने के बाद ओके बोल रही हूँ गाइज आपको। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कंसीलर और वो है स्विस ब्यूटी का, जो बहुत अच्छी कवरेज देता है, सीरियसली वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है ये। और मैंने यहाँ पे नीचे ही लगाया, मेरे जैसे पागल तो कोई भी नहीं है। एंड गाइस जिस टाइम मैंने ब्लर किया क्योंकि पीछे मम्मी आ गई थी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक चीज़ नोटिस की क्या आपने, मैंने नीचे ही कंसीलर लगाया यार, मतलब वैसे भी कोई होता है क्या, ऊपर जहाँ पे कंसीलर लगाना रहता है नीचे भी लगाते हैं बट ऊपर भी तो लगाना इंपॉर्टेंट है, नीचे तो लगाया नहीं और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं किया और ओके बोल दिया, वाह मेरे जैसे महान तो कोई भी नहीं है। तो ये जो मैंने कंसीलर लगाया उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का कम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ बहुत अच्छा है और उसकी कवरेज बहुत अच्छा देता है। एंड गाइज मैं ना यहाँ पर टीवी देख रही हूँ म्यूट करके, क्योंकि मैं ना आपको पता है मैं एकदम स्पेशल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ चैलेंज करते करते। यहाँ पर टीवी पे ही ध्यान था, चैलेंज में तो कोई भी ध्यान नहीं था सच्ची में। तो कंपैक्ट यूज़ करने के बाद ना फाइनली मैंने सोचा अभी आई शेडो कर ही देते हैं, बेचारे आई शेडो भी बोल रहा था कब भी करेगी तू चैलेंज ये। तो न्यू न्यूड की अभी मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की, इसमें मैंने शेड लिया था पिंक और रेड, नाम तो याद नहीं है बट कुछ पिंक रेड टाइप ऑफ था। और ब्रशेज़ गाइस मैंने लास्ट वाले रूम, मतलब जो मेरे रूम में वहाँ पर पड़े और मैं यहाँ पे हॉल में शूटिंग कर रही हूँ और मैंने ब्रशेज़ लाना भूल गई, और चैलेंज के बाद तो मैं जा नहीं सकती, तो इसलिए अब अपने अंगुली का ही हेल्प ले रही, बट अंगुली से ना मेरे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने ब्लेंड किया और ऊपर से लगाया मैंने, एंड मैं ना इस टाइम कुछ अच्छा सा ग्लिटर वाला आई शेडो करना चाहती थी, तो मैंने ना दोनों आईज़ पे ऊपर वो पिंक वाला शेड जो मैं आपको बोल रही थी वो लगाया। एंड गाइस ये जो पैलेट है ना, इसका जस्ट एक स्वॉच करते हैं ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देता है, आपको वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा आई नो, बट ये रियलिटी में इतना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था ना कलर्स, सच्ची में आपको इसमें न्यूड दिख रहा है आई नो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर शेड लिया रेड वाला और उसको उसके ऊपर लगाया, वो भी अंगुली से ही, मतलब ग्लिटर शेड के लिए मुझे ऑब्वियसली ब्रश चाहिए होता है बट ब्रश था नहीं इसलिए मुझसे प्रॉपरली लगा नहीं। तो पता नहीं क्या मिलेगा मुझे, अंडा मिलेगा कि चैलेंज जीत जाऊँगी कुछ पता नहीं है, बट लग बहुत अच्छा रहा। देख सकते हैं अभी तक आई शेडो ही हुआ है मेरा और यहाँ पर ओनली मेरे कितने वन एंड हाफ मिनट ही बाकी है सच्ची में यार, मतलब ऐसा भी कोई होता है क्या, इतना लेजीनेस मुझे ना इस टाइम, मैंने एक बार भी टाइमर नहीं देखा सच्ची बोल रही हो, और ऐसे आराम से कर रही हूँ जैसे कि कोई बस ट्यूटोरियल बता रही हो, बट चैलेंज था। फिर बाद में ना बहुत, आप देखो आगे होता क्या है। सो आज मैंने ग्लिटर लगाया दोनों आईज पे और पता नहीं क्या कर रही थी इस टाइम पे। सो आई शेडो करने के बाद ना मैंने यहाँ पे फिर मैंने गाइस अभी देखना मैं क्या देखती हूँ, बस देखते रहो आप।
फ्रेंड्स इस टाइम पे ना मैंने ना टाइमर देख लिया और वहाँ पे थे ओनली 48-50 सेकेंड्स, मतलब 50 सेकेंड्स बाकी थे। तो अभी तो मैंने सोचा फटाफट इस टाइम देख सकते हैं मेरा भूत बाहर आ गया, और अभी फटाफट कैसे भी ब्लश लगाए, देख सकते हैं ये है लापरवाही का नतीजा मेरा। तो अभी मैंने ब्लश लगा दिया कैसे भी, ये टमाटर जैसे गाल कर दिए, और अभी मैं हाईलाइटर लिपस्टिक लगा रही हूँ, वो भी लिपस्टिक के ऊपर ही, बट लग हाँ गई लिपस्टिक के ऊपर लगा रही, बट होगा तो वो अच्छे से, मतलब लगाया तो मैंने, इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगाई है, सो इसमें मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ। ओनली 19 सेकेंड्स बाकी है गाइज, और अभी मैं फटाक से हाईलाइटर के बॉक्स में से मार्स का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, निकाला, देख सकते कैसे लगाया है, और ये मेरा मेकअप हो गया, देख सकते हैं आप। फाइनली गाइज मेरा मेकअप हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मेकअप किया है मैंने ना, बहुत टाइम लगा दिया मेरे फेस मेकअप पे, बेस मेकअप और ये आई शेडो में बहुत टाइम लगा दिया, और बाद में मैंने ब्लश फटाफट कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी बट मैंने उसके ऊपर और लगा दी ताकि पता चले कि हाँ मैंने पूरा मेकअप किया है, एंड हमें ब्लश लगा दिया फटाफट, हाईलाइटर थोड़ा अच्छे से निकल बिकॉज मेरे पास फ्यू सेकेंड्स से हाईलाइटर लगाने के लिए। सो गाइज इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैंने चैलेंज अच्छी तरह से जीत लिया, बट गाइज नो, मैंने आईलाइनर और मस्कारा नहीं लगाया, वो मुझे बाद में याद आया, सो मैं आपको अभी बोल के बता रही हूँ, बट गाइज ये मैं चैलेंज तो हार गई, बट प्लीज़ आप मान लेना, समझ लेना प्लीज़ प्लीज़। सो गाइज अब मैं आपको कुछ ब्यूटी शॉट्स दिखा दे रही हूँ, आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आवर ब्यूटी शॉट्स।